हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लेसन फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फूड वैरायटीज़ के बारे में पढ़ा था और ये भी डिस्कस किया था कि फूड किससे बनता है, ठीक है। और उसमें फूड वैरायटी जो होती है उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि अलग अलग रीजन, अलग अलग सोर्स के अकॉर्डिंग हम फूड का जो हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। और फिर फूड के सोर्स के बारे में पढ़ा था कि एनिमल सोर्स है और प्लांट सोर्स से मिलता है, तो उसी को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे और आज पढ़ेंगे फूड कंपोनेंट की, वो फूड वैरायटी जो है वो यूजफुल किस तरह से हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दिस ऑन इट्स मैप। ये कह रहा है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में फूड वैरायटी के बारे में पढ़ा था, एक लिस्ट तैयार की थी अलग अलग स्टेट्स में किस तरह का फूड खाया जाता है और उसे हमने एक लिस्ट में लिखा था, ठीक है, एक लिस्ट तैयार की थी। ये कह रहा है कि उसमें हमने क्या देखा था कि ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, अनदर मे बी राइस, सांबर एंड ए वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। फ्रेंड्स, हमने देख ध्यान होगा आपको कि स्कूल में हमने एक लिस्ट तैयार की थी अपने फ्रेंड्स से कि वो आज क्या खाने वाले हैं, कल हमने क्या खाया था, ठीक है, आज हम क्या खाएंगे। इस तरह से हमने अलग अलग स्टेट्स में हमारे जो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स रहते हैं उनसे भी ये डाटा कलेक्ट किया था। उसमें देखा था कि बहुत सी वैरायटी हमें मिली थी, जैसे कि कुछ लोगों का जो फूड था उसमें चपाती, दाल वगैरह थी, ठीक है, किसी के में राइस थे, ठीक है, वेजिटेबल्स थी, सांभर वगैरह, तो किसी के में अप्पम, फिश करी वगैरह, ये सब चीज़ें थी। तो इतनी अलग अलग वैरायटी थी और इसका हमने कारण भी बताया था कि वैरायटी किस तरह रीजन के अकॉर्डिंग या सोर्स के अकॉर्डिंग, कि भाई कोई एक क्षेत्र है, कोई एक स्टेट है, उसमें कोई स्पेसिफिक फूड अवेलेबल मिलता है, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है तो वो लोग वहाँ उसे खाते हैं, या फिर किसी लोगों की हैबिट्स भी हो सकती है, वो अपने हैबिट के अनुसार, टेस्ट के अनुसार कुछ चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद ये कहते हैं फ्रेंड्स, अब इनका यूज क्या है, ये जो फूड वैरायटी है हम इतनी क्यों लेते हैं, हम एक ही प्रकार का आइटम क्यों नहीं खा लेते, तो उसका हम क्वेश्चन का आंसर आज पता लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए करते हैं एक एक्टिविटी, एक्टिविटी फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, एक्टिविटी फर्स्ट करते हैं हम, उससे हम इसका आंसर पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्टिविटी फर्स्ट में इसने क्या कहा, ये कह रहा है आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, अदर आइटम्स कुड बी ए दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारा जो फूड है, जो मील है, जो खाना है, वो उसमें यूजुअली आप देखेंगे एटलीस्ट वन आइटम, कम से कम एक आइटम तो बना होगा, किसका, ग्रेन का, ठीक है, ग्रेन मीन्स अनाज, दूसरा आइटम में दाल भी हो सकती है या कोई डिश जो मीट से बनी हुई डिश भी हो सकती है, ठीक है, या चिकन वगैरह या कोई वेजिटेबल्स भी हो सकती है। इससे इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स, या फिर इस तरह का भी कोई आइटम हमारी डिश में, हमारे खाने में पाया जा सकता है, जैसे कर्ड हो गया, बटर हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, पिकल्स हो गया, तो ये अलग अलग प्रकार के आइटम्स पाए जाते हैं। कारण क्या है फ्रेंड्स, ये कह रहे कि सम एग्जांपल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। तो 2.1 जो ये टेबल दिखाई गई, इसमें कुछ एग्जांपल दिए भी गए हैं, जैसे कि पंजाब, पंजाब में अगर ग्रेन आइटम्स की बात करें तो मक्के की रोटी मिलती है, ठीक है, दाल की आप किसी मीट की बात करें तो राजमा, ठीक है, वेजिटेबल्स की बात करें तो सरसों का साग, और अदर में देखें तो कर्ड घी वगैरह। इस तरह आंध्र प्रदेश में देखिए, हरियाणा में भी अगर हम देखें तो गेहूं या बाजरे की रोटी, ठीक है, सरसों का साग, ठीक है, दाल वगैरह आइटम अगर कहें तो, और अदर में कहें तो यहाँ पर भी लस्सी, कर्ड वगैरह, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिलने का कारण क्या है, ठीक है, और क्या ये ज़रूरी है कि हर बार हमें मिले, कि हर बार हम ये चीज़ें खा सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी ये चीज़ें हमें ना मिले। तो अगर ये चीज़ें अभी हमें ना ही मिले तो इसका इफेक्ट क्या होगा हमारी बॉडी के ऊपर, ये सब हम पता लगाएंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सम टाइम, यानी कि कुछ टाइम, कभी कभी, वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील, ये सारे की सारी वैरायटी हमारे मील में, हमारे खाने में नहीं होती। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग वी मे इट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू इट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। ये कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की वैरायटी ऑफ फूड हमारे सबके लिए खाना पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम वही चीज़ खा सकते हैं जो कि उस वक्त रास्ते में अवेलेबल है, ठीक है, चाहे वो कोई भी डिश हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे कोई चपाती या रोटी या दाल वगैरह मिल रही है, ठीक है, या कोई ऐसा फास्ट फूड वगैरह मिल रहा है, ठीक है, तो हम वही एक चीज़ खा सकते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल है,
चाहे हम घर पे कितनी भी वैरायटी ऑफ डिशेस खाते हों, हम वो नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि हर वक्त ये वैरायटी ऑफ फूड हमें अवेलेबल हो। ये कह रहे हैं देयर मस्ट बी सम रीजन द व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। ये कह रहे हैं कि हमारे व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे खाने में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, ठीक है, अलग अलग वैरायटी क्यों होती है, क्या ये मतलब किसी स्पेशल पर्पज के लिए होती है, ठीक है, कि हमारे मतलब जो फूड हम लेते हैं, दाल लेते हैं, अनाज लेते हैं, मीट लेते हैं, क्या इनका कोई स्पेशल पर्पज होता है, इसीलिए तो हम ये लेते हैं, अदरवाइज हम एक चीज़ डिश भी तो खा सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, इनका एक स्पेशल पर्पज होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिश में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। मान लीजिए हमारी मसल्स या स्ट्रेंथ के लिए अलग न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, तो वो किसी अलग डिश में अभी प्रेजेंट होता है। इससे एनर्जी किसी अलग डिश में प्रेजेंट होती है, फैट किसी अलग डिश में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग डिश में पाए जाते हैं, इसलिए हमें अलग अलग फूड वैरायटीज लेनी पड़ती है। इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, ये कह रहा है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम्स कंटेन। ये यहाँ से कह रहा है फ्रेंड्स कि डिफरेंट फूड जो आइटम्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, मतलब डिफरेंट फूड आइटम्स जो ये हैं इनमें होता क्या है। वैसे मैं बता दिया कि न्यूट्रिएंट्स की बात है, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये कह रहा है वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ मोर इन्ग्रीडियंट्स। ये कह रहा है कि जो ईच डिश है, मतलब प्रत्येक जो डिश है ना, हर डिश वो यूजुअली मेड ऑफ वन ऑफ मोर इन्ग्रीडियंट्स। ये बात हम फ्रेंड्स फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं कि हमारी जो डिश होती है, जो फूड होता है, वो इन्ग्रीडियंट्स से बने होते हैं। वो इन्ग्रीडियंट्स दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था राइस, हमने राइस कुक किया, तो राइस में हमने वाटर लिया था और रो राइस लिए थे। तो ये डिश जो होती है ये इन्ग्रीडियंट्स से बनती है। अब ये इन्ग्रीडियंट्स हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इनके सोर्स क्या होते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दीज इन्ग्रीडियंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और इन्ग्रीडियंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं और नीडेड होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। यानी कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स इनमें छुपे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप एक क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। वो क्वेश्चंस क्या है, वो क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हो जाता है कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, तो न्यूट्रिएंट्स फ्रेंड्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंस विच आर नीडेड फॉर द नूरिशमेंट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के नूरिशमेंट के लिए नीडेड होते हैं, यानी कि पोषण के लिए जो ज़रूरी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस या फूड मटेरियल विच आर नीडेड फॉर द नूरिशमेंट ऑफ बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। एंड मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और उनका मिलता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसी तरह फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन मसल्स एंड बिल्डअप एंड स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, विटामिन्स बहुत सी बीमारियों में हेल्पफुल होते हैं बीमारियों से बचाने के लिए, इसी तरह मिनरल्स का भी एक अलग ही रोल होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स अलग अलग इनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इन एडिशन फूड कंटेंस डायट्री फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीड बाई आवर बॉडी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो फूड होते हैं उनमें डायट्री फाइबर यानी कि रफेज भी कह सकते हैं मैंने, वो होते हैं, हिंदी में कहूँ तो आहारी रेशे, ठीक है, ऐसे कोई फूड जिसमें फाइबर्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये वो फाइबर्स नहीं है कपड़े वाले जो होते हैं, वो अलग फाइबर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये अलग होते हैं, ठीक है। और वाटर भी होते हैं, ये दो फ्रेंड्स एडिशनल हैं इसमें, ठीक है, कंपोनेंट्स, जबकि इनका कोई खास ये नहीं है कि भाई ये कोई न्यूट्रिशन देंगे हमें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह फ्रेंड्स, वाटर जो है, वाटर का तो काम ये है कि ये जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो हम फूड खाते हैं, जो भी हम खाना खाएंगे, उनमें से इन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो डाइटरी फाइबर्स हैं, जो रफेज हैं, उनका काम है अनडाइजेस्टेड जो फूड है हमारी बॉडी के अंदर, उससे बाहर निकालना। तो फ्रेंड्स ये इनका काम है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ। इसके बाद फ्रेंड्स आगे क्या कह रहा है, ये देखिए आगे ये कह रहा है, डू ऑल फूड कंटेंस ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या ये सारे के सारे फूड
कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि क्या सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सारे के सारे फूड में होते हैं, मतलब कि हर एक डिश में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर फ्रेंड्स ऐसी बात हो कि हर डिश में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, फिर हमें वैरायटी ऑफ फूड खाने की जरूरत क्या है? एक ही डिश ले सकते हैं हम, उसे ही खा ले, उसी से सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, हमें एनर्जी भी मिल जाएगी, हमारी स्ट्रेंथ के लिए भी मिल जाएगी प्रोटीन, ठीक है, बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन भी मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे, फिर हमें अलग अलग डिश खाने की क्या जरूरत है? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। तो सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है, डू ऑल द फूड कंटेंस ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? स्क्रीन पर आपके सामने फ्रेंड्स, तो इसका आंसर नो, डू नॉट, सभी के सारे जो डिश होती हैं नॉट कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी ऑफ फूड। कि अलग अलग डिश हम इसीलिए खाते हैं फूड वैरायटी, क्योंकि एक ही डिश में ये सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। और फ्रेंड्स अब ये बात आती है कि अब इनका हम पता कैसे लगाएं, अगर अलग अलग डिश एक ही डिश में सभी प्रेजेंट नहीं है, अलग अलग डिश में है, तो हमें पता कैसे लगेगा भाई इस डिश में क्या है उस डिश में क्या है, तभी तो हम खा पाएंगे ना। तो उसके लिए फ्रेंड्स कुछ टेस्ट करने होते हैं हमें, ठीक है, वो टेस्ट कैसे करने होते हैं, उनकी जाँच करनी होती है। तो फ्रेंड्स ये टेस्ट थोड़े से मतलब डिफ़िकल्ट भी होते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, थोड़े इनमें लैब वर्क की जरूरत होती है, बट फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है, अपने घर पर भी, वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के टेस्ट। तो कह रहा है कि विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स, कह रहा है कुक्ड फूड पर भी और रॉ इंग्रेडिएंट्स कच्चे खाने पर भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स, और पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू डू द टेस्ट फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स, ये कह रहे हैं फैट्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के जो टेस्ट हैं वो जब बाकी मिनरल से बाकी न्यूट्रिएंट्स से बहुत ही ईजी होते हैं। उनके करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, ये कहते हैं फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, ये टेस्ट करने के लिए यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। फ्रेंड्स तीन सॉल्यूशंस की हमें जरूरत पड़ती है, वो है आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब, और कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए होती हैं, एंड और ड्रॉपर, एक ड्रॉपर चाहिए होता है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आपकी स्क्रीन पर भी ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। साथ साथ फ्रेंड्स मैं पिक दिखा के आपको ये इसीलिए कवर करवाता हूँ ताकि अगर आपने कुछ चीज़ें देखी नहीं हो तो आपको वहाँ से एक अंदाज़ा लग जाए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि Try this test on cooked food items as well as raw material. Table 2.2 show you a way to record the observation from this test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with this or any other available food items. तो फ्रेंड्स कह रहे हैं कि इन पर आप कुछ टेस्ट कीजिए, कुछ फूड पे, यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मटेरियल दिए गए हैं, कुछ फूड आइटम्स, वो कच्चे भी हो सकते हैं, रो भी हो सकते हैं और कुक भी हो सकते हैं, वहाँ पे हमें टेस्ट करना है। जैसे कि रो पोटैटो है, यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, तीन टेस्ट होंगे, एक स्टार्च के लिए और एक प्रोटीन के लिए और एक फैट के लिए। अब जो भी चीज़ इसमें प्रेजेंट होगी उसी के ऊपर हम टिक कर देंगे। मिल्क में या मान लीजिए रो पोटैटो में क्या मिला है इसे, स्टार्च में, तो स्टार्च पे इसने कर दिया, मिल्क में क्या प्रोटीन, तो प्रोटीन पे कर दिया। तो ये अलग अलग हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स करना क्या है आपको, ठीक है, ये कह रहे हैं कि ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद डू दिस टेस्ट केयरफुली, ये कह रहा है कि ये टेस्ट आपको केयरफुली करने हैं, डू नॉट ट्राई टू इट और टेस्ट एनी केमिकल, ये कह रहा है कि ये टेस्ट आपको केयरफुली करने हैं, ठीक है, और कोई भी केमिकल्स आपको टेस्ट नहीं करना है, ठीक है, और ना ही खाना, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो ये आपको अपने टीचर के साथ करना है, ठीक है, उनके एग्जामिनेशन में, ठीक है। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म यूर टीचर कैन प्रीपेयर दिज। तो फ्रेंड्स हमें तीन सोल्यूशन चाहिए थे यहाँ पर, एक तो आयोडीन सोल्यूशन, एक कास्टिक सोडा और एक कॉपर सल्फेट। अगर ये आपके पास रेडीमेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं तो हम इन्हें तैयार भी कर सकते हैं। वो तैयार किस तरह कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने दिखाया गया, ये कह रहा है कि ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रीपेयर्ड बाई एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। ये कह रहा है कि एक आयोडीन टिंक्चर का जो है, टिंक्चर आयोडीन, उसमें थोड़ा सा वाटर मिला के हम इन्हें तैयार कर सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। इसी तरह कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा में थोड़ा सा वाटर मिलाकर ऐड करके हमें कॉस्टिक सोडा का और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कहते हैं। फिर चलिए ये आप अगर तैयार कर लेते सॉल्यूशन तो फिर टेस्ट तैयार करते हैं, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स हम टेस्ट तो स्टार्ट करेंगे लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा किस प्रेजेंट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो कई फॉर्म में पाया जाता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो फॉर्म हमें मिलेगी टेस्ट करने के बाद वो कौन सी फॉर्म होगी वो हमें पता लगानी है।
ये कह रहे हैं द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ये कह रहे हैं मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे फूड को में किस फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च एंड शुगर। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से बन सकते हैं कि इन विच फॉर्म कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन आवर फूड, तो किस फॉर्म में पाया जाता है फ्रेंड्स, स्टार्च एंड शुगर। तो ये क्वेश्चन भी आप कवर कर सकते हैं। वी कैन इजीली टेस्ट इफ ए फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम करते हैं, ये तीन क्वेश्चन आपके मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। ये लेसन आपको रीड करवाया बहुत ही स्लो मोशन और इजीली। फ्रेंड्स एक बार आप इसे फिर से वीडियो अगर देखना चाहें स्किप करके दोबारा से अच्छे से रोक रोक के तो आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे साथ सब कवर कर सकते हैं। बाकी के जो स्टार्च और प्रोटीन और फैट के जो टेस्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं रोज़ाना वीडियो आपके लिए डालता रहता हूँ ताकि आपको स्ट्रेस फ्री एजुकेशन